जब से इंडिया अलायंस बनना शुरू हुआ, जब से विपक्षी पार्टियां एक साथ आनी शुरू हुई, तो उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनका मुंह बंद करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इन सब पार्टियों के पीछे लगा दिया। आप देखिएगा तो अप्रैल के महीने से आज तक 14 से ज्यादा इंडिया अलायंस के नेताओं, मंत्रियों, विधायकों के घरों पर, ऑफिसेज पर सीबी, ईडीआई और इनकम टैक्स की रेड्स हुई हैं। कभी टीएमसी के नेताओं पर होती हैं, कभी डीएमके के नेताओं पर होती हैं, कभी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर होती हैं, कभी एनसीपी के नेताओं पर होती हैं, कभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर होती हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि वो आने वाला लोकसभा चुनाव हार रहे हैं और ये उनकी हार का डर है, हार की बौखलाहट है, जिसकी वजह से वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का मिसयूज कर रहे हैं। इसके अलावा मैम, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सवाल पूछा एजेंसीज को, कि इस पर बीजेपी भी कह रही है कि जो है पूछा गया है कि जो जिस तरह से सबूत आए हैं, किस तरह 15 महीने की जांच के बाद, 500 से ज्यादा अफसर लगाने के बाद, हजारों जगह रेड करने के बाद, सैकड़ों लोगों को गवाही के लिए बुलाने के बाद भी ईडी के पास 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है, तो ये दिखाता है कि वो जो शराब घोटाला कर रहे हैं, ये 100% फर्जीवाड़ा है।